मुंबई में अलग अलग जगह पर अलग अलग जाति धर्म के कब्रिस्तान है। मेरी भी कम्युनिटी का एक कब्रिस्तान है, लेकिन वहाँ पे अव्यवस्था होने के कारण मैंने एक बात ठान ली कि मैं वहाँ पे बिजली, पानी, सफाई ये सब मूलभूत सुविधाएं ला के रहूँगा। मुंबई में अल्पसंख्या में क्रिश्चियन लोग रहते हैं और मैं भी एक क्रिश्चियन ही हूँ। जब मैं मेरे क्रिश्चियन शमशान भूमि में गया तब वहाँ पे देखा कि नल है पर नल में पानी नहीं है, बिजली है पर लाइट नहीं है, कचरा साफ सफाई करने वाला है लेकिन कचरा लेके जाने वाला कोई नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको किन किन परिस्थितियों का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यही आज हम आपको दिखाएंगे। यह शूटिंग यहाँ के नगर सेवक को दिखाई और नगर सेवक ने यहाँ पे तुरंत ही पानी की सुविधा उपलब्ध करा के दी। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी की सुविधा ही सुविधा है और पानी ही पानी है। क्रिश्चियन लोग जी स्मशान भूमि है ना, हाँ, त्याच्यामधला आता आपण लोक जो फंड आता आपण वापरणार आहे त्याचं जरा फॉलोअप बघा ना, तुमच्याजवळ काय एकुणशी कुठलं काय जाणार होतं, काय ते गेलं काय रसाळकर साहेबांजवळ काय होतं बघा ना ते। दुसरं त्या स्मशानभूमीमध्ये आतमध्ये जे म्हणजे ते काय गवटी पडलेली आहे, हाडं पडलेली आहे, तिथं साफसूफ होत नाही, ते जरा त्याचा फॉलोअप करून जरा बघा, दोन चार दिवसामध्ये ते कसं काय आठवड्यामध्ये क्लीन होईल ते जरा बघा, जरा डोक्यात पडत नाही। आपका जो चैनल है इंडिया अनहर्ड, वो चैनल के माध्यम से जो एक वीडियो क्लिप थी वो देखने के बाद में मुझे मालूम गिरा कि ऐसे ऐसे कुछ प्रशासन के लोग वहाँ पर ध्यान नहीं रखते और उसके बाद में सब सुविधा अच्छे ढंग से होने की इसमें है और वो चालू है। अभी पानी नहीं था, आप आने से पानी चालू हो गया है, आप आ गए, आप आने से सब कुछ हो गया, सब आपने किए, बाकी का लोग जो आते थे देखते थे वो लोग ने कुछ किए नहीं, हाँ हो जाएगा, सब लोग ये बोलते थे हो जाएगा, लेकिन आपने किया, इतना मेहरबानी हो गया। आज यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो कंकाल होते हैं उस कंकाल को रखने के लिए यहाँ पे छोटे से एक कप्पे बनाए हैं, एक ऐसा बॉक्स बनाए हैं जिसमें ये कंकाल यहाँ पे रखे जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं बनाई है उन्होंने और ये हमारे वीडियो का इम्पैक्ट हुआ है। मेरा आत्मविश्वास और नगर सेवक की पहल से ये काम पूरा हुआ है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है कि सरकारी तंत्र सही ढंग से काम करे तो व्यवस्था में तेज़ी से परिवर्तन हो सकता है। मुंबई से अमोल लालझरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।